पढ़ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5वां देखो बच्चे, एक्सरसाइज आपका ये 4.2 है, क्लास 10th की NCERT मैथ आप देख रहे हो। PVR स्टडी प्रयागराज के तीसरे नंबर चैनल पर सुबह 8 बजे डेली वीडियो आता है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो कह रहा है कि फिर इस त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बाबू ये, ऐसे ही आप एक काम करो, ऐसे एक त्रिभुज बना लो, इसको क्या बोलते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लो। क्यों? समकोण यहाँ बात किया था, समकोण का मतलब जिसमें एक कोण 90° का हो। और हाँ एक बात और याद रखना, किसी भी त्रिभुज में जो कर्ण है वो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज में, और कर्ण कभी भी बदलती नहीं है, कोण चाहे जहाँ बदल जाए, यहाँ पे एंगल होगा तो लंब ये हो जाएगी, यहाँ पे एंगल होगा तो लंब ये हो जाएगी, लेकिन कर्ण हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कह रहा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कहने का मतलब ये है ना हमें ऊंचाई कन्फर्म है ना आधार कन्फर्म है, दोनों को हमें ये उलझा के रखा हुआ है, ऐसा कुछ कह रहा है ना। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो बच्चा पहले क्या मानोगे, आधार पर निर्भर है ऊंचाई, ऐसा लग रहा है ना। कह रहा ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हल, लिखो क्या करोगे, लिखोगे माना माना समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल एक्स, आधार मीन्स जानते हो बेस, ओके, माना समकोण त्रिभुज का आधार यानी कि बेस एक्स, इसलिए या फिर अतः होता मत करो, तब समकोण त्रिभुज का एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स यहाँ पे होगा ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई इक्वल क्या होगा बच्चा, x-7 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ऐसा ऊपर कहा था, हाँ हो गया। आगे क्या कहता है, कहता है कि यदि कर्ण 13 है तो फिर अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चा बड़ा ही प्यार की बात है, आ गया सब कुछ इसमें, जब ये हो गया तो ये लंब है, लंब कहाँ गया भाई, लंब का मतलब ऊंचाई, x-7, ये बेचारा x है, लगा दो पाइथागोरस की परमीय, निकाल लो फटाफट, चलो हो गया। अब नीचे क्या लिखोगे आप, लिखो पाइथागोरस की परमीय से, नीचे दिख रहा है ना, इतना अगर मैं साइड में लिख देता हूँ तो क्या दिखेगा, दिखेगा ना, हल्के सामने में लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लिखोगे पाइथागोरस की परमीय से, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आप सुन रहे हो ना, पाइथागोरस की परमीय से, पाइथागोरस की परमीय हम सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है बच्चा आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर। देखो मैं थोड़ा फाट में लिख रहा हूँ, आधार लंब आप समझ जाना, हाँ चलो, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब जो वहाँ पे दिया है x का स्क्वायर, धन लंब का स्क्वायर मतलब x-7 का होल स्क्वायर, ये आप सबको दिख रहा है, बस इसको ओपन कर देना है, ओपन करके फटाफट सॉल्व करना है और खटाखट आपका आंसर आपके सामने दौड़ के आ जाएगा बच्चा। चलो देखो ये 13 × 169 आएगा इक्वल x का स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, आप सभी जानते हो बचपन में पढ़े हो, a का स्क्वायर और धन b का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब x, b मतलब 7, ये हो गई पूरी कहानी। हाँ तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या मिटाएं इसमें से, सवाल मिटा दें या फिर ऊपर का आकृति मिटा दें, क्या करें बताओ। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम सवाल मिटा के उत्तर लगा लेंगे, आप सभी बच्चे वीडियो को पीछे करके लिख लेना, जिनको सवाल नहीं लिखे थे वो वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन नोट कर लें, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, सलूशन नहीं मिटा रहा हूँ बच्चा। चलो अब क्या करोगे तुम लोग, इसी को हल करो, ऊपर ले आओ फटाफट, ऊपर नहीं दिखेगा तो मैं अभी ऊपर दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, कैमरा मैं ऊपर कर दूंगा जिनको नहीं दिख रहा है। तो बच्चा यहाँ देखो ये प्लस प्लस है, जुड़ जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस ये 49, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ अभी, तुरंत अगर नहीं दिख रहा है तो टेंशन मत लेना एक भी पैसे का। चलो ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो बच्चे अब ध्यान दो आप लोग, नीचे ऊपर आपको कुल दिख रहा है, ये 2x का स्क्वायर हो गया 7 7 जा, नहीं ये 49 माइनस ये 2 7 जा, ये हो जाएगा आपका बच्चा 14x। इतना ही तो पूरी कहानी है ना, बस इसी को हल कर लो, सारी जुबानी आपके उत्तर आ जाएं जो भी हैं, तो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे वही, मतलब ये आप जानते हो, इनको पूरा इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर और ये माइनस का 14x और ये बेचारा 49 ऐसे रहेगा,
ये इधर आ जाएगा बच्चा, 169 इक्वल 0 हो जाएगा। फाइनल करोगे 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस घट के 120 इक्वल 0 आएगा। इसमें x ना 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 ना, इसमें दो कॉमन ले लो बच्चा, बड़ा ही इजी आ जाएगा। दो कॉमन करोगे तो आप दो कॉमन कर लो तो 7 हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। दो कॉमन ले लो, x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इक्वल 0। अब आपको समझ में आ गई होंगी सारी कहानी लगभग में। इसमें से ये दो जब इधर से जाएगा इसमें भाग में 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप टेंथ में वो इतना जानते हो, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, हम बता देंगे। इक्वल 0, बस इसी समीकरण के हमें मान निकालने हैं, गुणनखंड करके फैक्टर करके वैल्यू निकालने हैं, मूल निकालने हैं, उसके बाद हमारे आंसर जो है आपके सामने दौड़ के आ जाएंगे खटाखट, आप लिख लेना। चलो पहले मैंने यहाँ से सलूशन शुरू किया, नीचे तक किया, नीचे के बाद मैंने ऊपर हल किया, उसके बाद ये इसका एक पार्ट हो गया ऊपर का। हाँ, अब उसके बाद तीसरा पार्ट मैं इधर साइड में करूँगा, ध्यान देना। तो बच्चा तीसरा पार्ट मैं इधर कर ले रहा हूँ। कोई दो ऐसी गिनती बताओ जिसको गुणा करें तो 60 हो जाए और घटा दें तो 7 हो जाए। आपको पता है कि 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएगा। यानी हम इसे कह सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस, इसे आप लिख सकते हो 12 माइनस 5 इंटू x माइनस 6060 इक्वल 0। ये आप कर सकते हो ना, ये कर सकते हो, फिर कोई बड़ी बात नहीं, आप सब कर सकते हो। ये हो जाएगा फाइनल में x का स्क्वायर माइनस ये 12x और प्लस का ये 5x माइनस 60 इक्वल 0। कैसे हो गया, ध्यान दो, स्टार्टिंग में अगर माइनस है कोष्टक के, जब कोष्टक को ओपन करते हैं तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाते हैं, तो ये माइनस था इस वजह से प्लस हो गया। आपको पता है इसमें आप x कॉमन ले लोगे, x माइनस 12 बचेगा, इसमें 5 कॉमन लोगे, x माइनस 12 बचेगा इक्वल 0। फाइनल में x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इक्वल 0, ये आपके दो मूल आ जाएंगे। यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो x के दो मान आएंगे, एक 12 आएगा, एक माइनस 5 आएगा। आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आप आंसर में क्या लिखोगे, मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, आप ध्यान दो, ये आपका हो गया ना। अब यहाँ से आप माइनस वाला मान छोड़ दोगे, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें आधार और ऊंचाई मान निकालना था, तो आधार और ऊंचाई हमारी माइनस में तो होगी नहीं, कि निगेटिव में हो जाए, ऐसा होगा नहीं। तो क्या करोगे, अब आप लिखोगे, ये चीज़ तो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप इसे फिर से लिख लेना, वीडियो को थोड़ा पीछे करोगे ना तो ये सब कुछ फिर से आ जाएगा जो मैं मिटाया रहूँगा, टेंशन मत लेना, वीडियो थोड़ा सा बैक करना बस। अब लिखोगे, आता है समकोण त्रिभुज का आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा समकोण त्रिभुज का ऊंचाई, या समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7, यही थी ना, बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आई ना बच्चा, तो क्या करोगे, ये आपका 12 आ जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हो गया 12, ये 13, वो 5। समझ में आया, जल्दी फिर लिख लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग। सवाल आपके बुक में है, आप बुक से सवाल को लिख लो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करो। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑन करें। अगर आप इस क्लास को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पीवीआर स्टडी के फेसबुक पेज को लाइक करें, जिससे कि आप पढ़ सकें हर रोज। अंगूठे